बिहार में सियासी उठापटक के बाद नई सरकार अब एनडीए की बन गई है। सीएम नीतीश कुमार अब जो है एनडीए के साथ नई सरकार बना लिए हैं, लेकिन अब देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के भी मोदी लगातार प्लान तैयार कर रहे थे। अब जो है नीतीश कुमार आ गए तो कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि मजबूती हमारी बढ़ गई है। लेकिन बात करेंगे हम मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की, जहाँ से जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का वह क्षेत्र है और उस क्षेत्र में वो भी खूब घूम रहे हैं। उनके साथ अब जो है चुनौती दूसरी हो गई है, पहले बीजेपी चुनौती थी, अब इंडिया गठबंधन चुनौती हो गई है। साथ ही साथ निर्दलीय उम्मीदवार अति पिछड़ा समाज से आता है पीयूष प्रियदर्शी, वो भी अब चुनौती बना हुआ है, लगातार अपने क्षेत्रों में घूम रहा है। और देखिए 26 जनवरी का मौका था, उस दिन उन्होंने 500 फीट तिरंगा यात्रा निकाला, जिसमें 104 गांव के लोग जो है उस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तस्वीर देखिए तिरंगा यात्रा की, जहां पे 104 गांव के लोग शामिल हो रहे हैं। और इस भीड़ को देख करके जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह टेंशन में आ जाएंगे कि आखिर क्या हो रहा है, क्या करेंगे। अब देखना दिलचस्प रहता है कि आखिर क्या होता है 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन देखिए पीयूष प्रियदर्शी की वह तस्वीर, किस तरीका से जो है वो इस रैली को निकाल रहे हैं और 104 गांव के लोग इसमें शामिल हुए हैं। खास करके देखिएगा भीड़ देख करके ललन सिंह काफ़ी टेंशन में तो हैं ही। जब से देखा है पीयूष प्रियदर्शी मैदान में उतरे हैं, उस समय से उनकी चुनौती और भी बढ़ गई है। पहले चुनौती बीजेपी थी, अब चुनौती इंडिया गठबंधन हो गई है। अब देखना दिलचस्प रहता है कि आखिर क्या होगा क्या नहीं। लेकिन पीयूष प्रियदर्शी ने तो कमाल ही कर दिया है। मुंबई से पढ़ करके आया या लड़का जो है राजनीति में जब से उतरा है, उस समय से ललन सिंह को परेशान करके रखा हुआ है। तस्वीर देखिए, यह जो है मुंगेर क्षेत्र टाल एरिया की है, जहाँ पे जो तिरंगा यात्रा निकाला गया था, उस यात्रा में लगभग 104 गांव के लोग शामिल हुए हैं और लाखों की भीड़ है। 500 फीट तिरंगा है और तिरंगा यात्रा में लगभग लोग की भीड़ इस कदर उमड़ी है कि जिसे देख करके ललन सिंह सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर हम करें तो करें क्या। चुनौती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले बीजेपी चुनौती बनी हुई थी, अब जो है इंडिया गठबंधन चुनौती है, एक तरफ पीयूष प्रियदर्शी चुनौती है। आखिर क्या होगा, उनका क्या होगा। लेकिन पीयूष प्रियदर्शी ने तो पूरी तरीका से प्लान तैयार कर लिया है कि आखिर करना क्या है, किस तरीका से इस बार लोकसभा चुनाव जीतना है। वो जब से मैदान में उतरे हैं मुंगेर लोकसभा क्षेत्र को, तो वो कभी खाली ही नहीं होने देते, कहीं ना कहीं जनसभा को संबोधित करते रहते हैं और अपने समाज के लोग के साथ साथ अन्य जो समाज के लोग हैं उसे भी बताते हैं कि आखिर किसे जो है वोट देना चाहिए। इस बार बिकेगा नहीं तो अपने क्षेत्र का विकास हो सकता है। अब देखना दिलचस्प रहता है कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव का नतीजा क्या कुछ आता है। लेकिन पीयूष प्रियदर्शी ने तो ललन सिंह को बड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।